हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज मैं आपको बताने वाले हैं कि आप अपने फ़ोन में अलार्म सेटिंग कैसे इनेबल करेंगे। तो फ्रेंड, बहुत ही सिंपल सिंपल इजी इजी स्टेप बताएंगे, आपको देखना है और फॉलो करना है। वीडियो की पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखना है। अगर फ्रेंड आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड, हमें ऑप्शन देखने को मिलता है फोन में क्लॉक, जो हमने अपने फ़ोन में प्ले स्टोर से डाउनलोड कर रखा है। आपको क्लॉक पर क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको प्लस के आइकॉन पर क्लिक करना है। प्लस के आइकॉन पे क्लिक करने के बाद में आपको जितने टाइम का अलार्म सेट करना है, तो आप यहाँ से अपने फ़ोन में टाइम सेलेक्ट करके अपने फ़ोन में अलार्म सेटिंग इनेबल कर सकते हैं। आपको यहाँ से अपने फ़ोन में अलार्म इनेबल कर लेना। तो आपको जितने टाइम का अलार्म सेट करना है, आप यहाँ से टाइम सेलेक्ट करेंगे। आपको यहाँ से PM जो भी रखना है, AM या PM, आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से आपको ऑप्शन देखने में आता है फोन में, इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको कौन सा डे अपने फ़ोन में अलार्म इनेबल करना है, आप यहाँ से डे सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से आपको रिंग टोन पर क्लिक करके अपने फ़ोन की रिंग टोन चेंज करना चाहते हैं अलार्म में, तो आप अपने यहाँ से फोन में अलार्म की रिंग टोन चेंज कर लेंगे। तो इस प्रकार यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद में हमारे फ़ोन में अलार्म सेट हो चुका है। तो इस प्रकार अपने फ़ोन में अलार्म सेटिंग इनेबल करेंगे। तो आई होप अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो गाइस, तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट इंटरेस्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर।